कश्मीर की। आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स, सुबह तड़के खुला जन्नती दरवाजा। जी हाँ, सुबह तड़के खुला है जन्नती दरवाजा। रस्मों रिवाजों के साथ खोला गया जन्नती दरवाजा। जन्नती दरवाजे से निकलने की जायरीनों में होड़ मची है। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए कि कैसी जन्नती दरवाजे से निकलने को लेकर जायरीनों में होड़ नजर आ रही है। अगर आज दिखाई देता है रजब का चांद तो खुला रहेगा जन्नती दरवाजा। वहीं चांद दिखने पर बदल जाएगा खिदमत का समय और पहली महफिल होगी आज। अगर नहीं दिखाई दिया चांद तो फिर बंद हो जाएगा जन्नती दरवाजा। यानी कि आज का चांद तय करेगा कि जन्नती दरवाजा खुला रहेगा या फिर बंद रहेगा। अगर चांद दिखाई दिया तो जन्नती दरवाजा खुला रहेगा, लेकिन अगर चांद नहीं दिखाई देता है तो देखिए फिर से बंद हो जाएगा यही जन्नती दरवाजा, जिसमें से निकलने की होड़ मची हुई है जायरीनों में। और वही कल अल सुबह खोला जाएगा जन्नती दरवाजा। इसी के साथ उर्स की हो जाएगी औपचारिक शुरुआत। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाजा साल में 4 बार खोला जाता है। ईद के खास मौके पर, ईद के 6वें दिन पर, और गरीब नवाज के जो मुर्शद का उस रहता है उस्मान हारूनी का उस 6 शवाल को होता है, तो उस वक्त खोला जाता है। उसके बाद बकरीद में खोला जाता है। रजब का चांद दिखाई देने से चांद रात से खोला जाता है और चांद रात से लगातार 6 रजब तक खुला रहता है, जिसमें लाखों लोग आकर के जायरीन यहाँ पर तवाफ लगाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाजा। ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स, राजनेताओं की चादर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर कल पहुंच जाएगी अजमेर। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पेश की जाएगी। और 2 बजे का समय कल का काफी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर 2 बजे पेश हो जाएगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी लेकर आएंगे यही चादर। और चादर पेश करने के साथ ही देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ की जाएगी। वहीं बुलंद दरवाजे से पीएम मोदी का पढ़ा जाएगा संदेश। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ा है। शुभम, देखिए कल का दोपहर 2 बजे का वक्त काफी ज्यादा खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर कल 2 बजे पहुंच जाएगी और बुलंद दरवाजे से पीएम मोदी का संदेश पढ़ा जाएगा। तो क्या जानकारी शुभम आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो ख्वाजा गरीब नवाज है उनका 812वां उर्स जो है वो आज से अगर चांद दिखता है तो आज से शुरू हो जाएगा, नहीं तो कल चांद की पहली तारीख मानी जाएगी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी तरफ से जो चादर अल्पसंख्यक मामलात के जो और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको कल सौंप दी गई थी दिल्ली के अंदर, जो कल लेकर के अजमेर पहुंचेंगे और अजमेर में करीबन नमाज के बाद 2 बजे के बाद ये चादर पेश की जाएगी। हालांकि चादर के साथ साथ कौन कौन आएगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अकीदत के फूलों मखमली चादर का नजराना दिया गया है उसको आस्थाना शरीफ पर पेश किया जाएगा और वहां पर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं भी की जाएंगी। साथ ही साथ जो बुलंद दरवाजा है, जो परंपरागत तरीके से बुलंद दरवाजे से हमेशा हर किसी राजनेता या हर किसी जो भी चादर लेके आता था उनका संदेश पढ़ा जाता है, उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बुलंद दरवाजे से एक संदेश जो आम जायरीनों के लिए भेजा गया है वो पढ़ा जाएगा। संदेश के अंदर बधाइयां भी दी जाती हैं और भी कई चीजें जो है वो सूफी फंस ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बताई जाती है, वो संदेश के अंदर बातें होती हैं। हर साल करीबन ये 10वीं चादर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दरगाह पर पहुंचेगी। हर साल जो उर्स होता है उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े राजनेताओं की चादर आती है, उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर 2 बजे पेश की जाएगी। बिल्कुल शुभम, और जानकारी भी मिल रही है कि और भी राजनेताओं की चादर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स है। तो ऐसे में जो और भी राजनेता है उनका चादर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, इसको लेकर क्या जानकारी शुभम? जी बिल्कुल, देखिए जो राजनेता हैं देश के कई बड़े नेता हैं उनकी तरफ से यहाँ पे चादर आती है, चाहे वो आरएसएस के इंद्रेश कुमार हों या फिर अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी चादर भी अजमेर पहुंच चुकी है, वो पेश होना बाकी है। साथ ही साथ लालू यादव हों या फिर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी चादर यहाँ पर पेश की जाती है, अखिलेश यादव के यहाँ से भी चादर पेश की जाती है। इसके अंदर एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से भी एक चादर जो है, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन यहाँ पर है जो करीबन 300 जायरीन उसके अंदर शामिल होते हैं और पाकिस्तान एम्बेसी के भी लोग उसमें शामिल होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे चादर भी पेश की जाएगी। तो 14 तारीख को जो है पाकिस्तानी जायरीन का जत्था जो है वो 14 तारीख को अजमेर पहुंचेगा और कड़ी सुरक्षा के बीच उनको अजमेर में ठहराया जाएगा और करीबन 22 तारीख तक वो जत्था यहाँ पर रहेगा। इसी बीच ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर वो आस्थान शरीफ पर मखमली चादर और अकीदत के फूल का नजराना भी पेश करेगा और देश में अमन चैन की दुआएं भी मांगी जाएंगी। वही बांग्लादेश से भी यहाँ पर चादर आती है, पूर्व में अफगानिस्तान से भी यहाँ पर चादर आई थी, लेकिन अगर देश की बात
करें तो देश के कई बड़े जाने माने जो चेहरे हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, पूर्व में लता मंगेशकर की भी जब जो वो थी तब उनकी चादर आती थी, लेकिन अब और भी कई बड़े नेता जो है उनकी तरफ से यहाँ पे चादर आती है, फिल्मी हस्तियों की चादर आती है, बॉलीवुड की भी चादर यहाँ पे जो है 13 तारीख को पेश की जाएगी, और उसके साथ साथ कई बड़े नेता जो नामी ग्रामी है, प्रदेशों के मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से भी यहाँ पे चादर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा किया उसके लिए, और चलिए आगे बढ़े।